रसिया और यूक्रेन के बीच, इसराइल और हमास के बीच युद्ध तो चल ही रहा था और अब इसराइल और ईरान के बीच भी तनाव की स्थिति लगातार बनती जा रही है, जिससे दुनिया भर में एक नया संकट पैदा हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण घटनाक्रम को जानने का प्रयास करेंगे, जिसको हम मुख्यतः तीन बिंदुओं के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। पहला, हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किन वजहों से इसराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दूसरा, हम समझेंगे कि भारत का इन दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का क्या असर हो सकता है। तीसरा, हम समझेंगे कि इसराइल और ईरान जो एक समय बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आखिर किन वजहों से वो आज इस स्थिति पर आ गए हैं कि एक दूसरे से वो युद्ध करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिरकार अभी कौन से ऐसे हालिया घटनाक्रम हुए जिससे इसराइल और ईरान के बीच में तनाव बढ़ गया। तो बात करते हैं हम 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल को हुआ क्या था कि इसराइल ने सीरिया की राजधानी दमस्कस में एक हमला किया, जिसमें ईरान के 7 मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए, जिसमें से 3 सीनियर कमांडर भी थे। और इसराइल की इसी कार्यवाही के बदले में ईरान ने भी अभी किया गया है कि 12 अप्रैल को यूएई से भारत आ रहे एक जहाज पर कब्जा कर लिया है। और जो ये जहाज है, ये इसराइल के ही एक अरबपति व्यक्ति का था। और खास बात यह है कि इस जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से सीज किया गया है। तो हम समझते हैं कि आखिरकार इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या महत्व है दुनिया भर के लिए। आप देखेंगे इसकी जो लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप देखेंगे दुनिया भर का 20% जो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है, क्योंकि ज़्यादातर जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो इसी चीज़ से बिलोंग करती हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे बहरीन हो, चाहे कुवैत हो, चाहे ईरान हो, चाहे यूएई हो या फिर कतर हो। इन सभी देशों में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम पाया जाता है और इसको इसी रास्ते से भेजा जाता है। तो यदि यहाँ पर स्थिति गड़बड़ होती है तो सीधी सी बात है ईरान इसी एरिया पर कब्जा करने का प्रयास करेगा। और इससे होगा क्या कि दुनिया के कई देशों में पेट्रोलियम की जो आपूर्ति है वो बाधित हो जाएगी और लगातार महंगाई बढ़ती जाएगी, और जिसका असर भारत सहित दुनिया के कई देशों में हमें देखने को मिल सकता है। और भारत सरकार ने इन दोनों देशों के बीच में बढ़ते तनाव को देखते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। और इस एडवाइजरी में कहा गया है कि अभी जितना ज्यादा हो सके तो आपको इन दो देशों की यात्रा नहीं करना है, ईरान और इसराइल की। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जितने भी वहाँ लोग रह रहे हैं भारतीय, उनको इंडियन एम्बेसी से लगातार कॉन्टेक्ट बनाए रखना है। यदि कोई समस्या है तो भारतीय जो दूतावास है इन दोनों देशों में उनसे संपर्क करें। तीसरा, कहा गया है कि अपनी सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखें और बहुत ही कम मूवमेंट करने का प्रयास करें, जरूरत हो तभी बाहर निकलने का प्रयास करें। और आप समझिए, भारत का ईरान और इसराइल से बहुत ही अच्छा कारोबारी संबंध है। आप देखेंगे भारत का ईरान और इसराइल दोनों देशों से लगभग 1.1 लाख करोड़ का व्यापार होता है, जिससे ईरान के साथ भारत का लगभग 20,000 करोड़ का व्यापार होता है, वहीं इसराइल के साथ भारत का लगभग 90,000 करोड़ का व्यापार होता है। और यहां भारत के लिए जो अच्छी बात है वो ये है कि भारत का इन दोनों देशों के साथ जो निर्यात है वो हमेशा आयात से ज़्यादा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे जो ईरान में इधर पे एक पोर्ट है, चाबहार पोर्ट, जिस पर भारत ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। और यदि इन दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इस पर भी खतरा देखने को मिल जाएगा। और चाबहार पोर्ट भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसको आप यहाँ समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में एक पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, और पाकिस्तान ने इसको दे दिया है चाइना को, और चाइना लगातार इधर पर अपना नेवी का बेस बना रहा है। तो इसको काउंटर अटैक करने के लिए भारत को चाबहार पोर्ट का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और इन दोनों पोर्ट के बीच में मात्र 72 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। इसके अलावा देखेंगे भारत का कई बार जो अफगानिस्तान से व्यापार होता है उसमें पाकिस्तान कई बार बाधा उत्पन्न करता है, तो फिलहाल भारत के पास चाबहार पोर्ट के माध्यम से अल्टरनेटिव रूट है अफगानिस्तान तक पहुँचने का और इधर पर व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने का। इसके अलावा आप देखेंगे भारत का इसराइल के साथ भी बहुत ही बढ़िया संबंध रहा है, और इन दोनों देशों में लगभग 22,000 से ज़्यादा भारतीय रह रहे हैं, जिसमें से मात्र 4,000 रहते हैं ईरान में और 18,000 भारतीय कामगार रह रहे हैं इसराइल में। और इसराइल लगभग 1 लाख भारतीय कामगार चाहता है कि
कि वो आ जाए ताकि इसराइल से बहुत से जो फिलिस्तीन वर्कर्स हैं उनको रिप्लेस किया जा सके। और यहाँ पर आपको एक बात और समझ लेनी है कि ये तनाव भले ही लग रहा हो कि ईरान और इसराइल के बीच में है, लेकिन आप समझिए कि यहाँ पर इसराइल का हमेशा साथ देगा अमेरिका, और अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और बहुत से पश्चिमी यूरोपीय देश भी इसराइल का ही साथ देंगे, जिससे आप कह सकते हैं कि जो ईरान का पलड़ा है वो काफी हद तक कमजोर पड़ सकता है। और आप बात करेंगे मिडिल ईस्ट में बहुत से अमेरिकी सैनिक हैं, और खासकर आप देखेंगे कतर और कुवैत में लगभग 10,000 से ज्यादा सैनिक हैं और ये देश यहाँ पर है। तो इधर से ईरान को बहुत ही अच्छे तरीके से काउंटर अटैक किया जा सकता है। तो दरअसल आप ये मत समझिए कि ये जो तनाव है वो केवल ईरान और इसराइल तक ही सीमित रहेगा, इसका व्यापक असर भी देखने को मिल सकता है। तो अच्छी बात तो यही होगी कि इनके बीच में जो तनाव है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाए। अब हम समझ लेते हैं इसराइल और ईरान जो एक समय बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आखिरकार किन वजहों से वो धीरे धीरे दुश्मन बनते गए और आज स्थिति ये आ गई है कि दोनों युद्ध की कगार पर खड़े हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब इनके बहुत ही अच्छे संबंध हुआ करते थे। तो आप समझिए जब 1948 में इसराइल एक नया देश बना, तो ईरान तुर्की के बाद दूसरा ऐसा मुस्लिम देश था जिसने इसराइल को मान्यता दी थी। और जब 1953 में अमेरिका ने ईरान में तख्ता पलट किया और उधर पर पश्चिम समर्थक मोहम्मद रजा पहलवी को सुल्तान बनाया गया, तब ईरान और इसराइल के बीच में संबंध और ज्यादा बढ़िया हो गए थे। और जब मिडिल ईस्ट के बाकी देश इसराइल को पेट्रोलियम नहीं दे रहे थे, उस समय ईरान से बहुत सा पेट्रोलियम इसराइल भेजा जाता था। इसके अलावा आप समझिए जो ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी है सवाक, उसको भी इसराइल की एजेंसी मोसाद ट्रेनिंग दिया करती थी। तो ये उस समय के सबसे बेहतर संबंध थे जब इसराइल और ईरान दोस्त हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे मोहम्मद रजा पहलवी के विरोध में ईरान में ही प्रदर्शन होने लगे, और एक बहुत ही बड़ा प्रदर्शन होता है 1978 में, जब वहाँ के शाही सुल्तान एक बहुत ही भव्य पार्टी करते हैं। उधर पर अमेरिका, रसिया और बहुत से वेस्टर्न यूरोप के अतिथियों को बुलाते हैं, और इनके खिलाफ ईरान के ही प्रमुख नेता आयतुल्ला खुमैनी ने लोगों को एकजुट किया। और आप समझिए ईरान में 1978 में 20 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी जब शामिल हुए, तो वहां की सेना ने भी इन पर कार्रवाई करने से मना कर दिया, और अंत में आयतुल्ला खुमैनी को ही ईरान का सुप्रीम कमांडर नियुक्त घोषित किया गया। और ये सुप्रीम कमांडर बनते ही ईरान को इस्लामिक राष्ट्र बना देते हैं, और वहीं से इसराइल और ईरान के बीच में संबंध गड़बड़ हो जाते हैं। इसके बाद दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंध तोड़ दिए जाते हैं, राजनीतिक संबंध भी तोड़ दिए जाते हैं। इसके अलावा एक दूसरे देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, और ईरान में इसराइली दूतावास के स्थान पर फिलिस्तीनी दूतावास कर दिया जाता है, और फिलिस्तीन की आज़ादी ईरान का प्रमुख एजेंडा बन जाती है। साथ ही साथ इसराइल द्वारा ईरान पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि ईरान इसराइल के खिलाफ काम कर रहे चरमपंथी समूहों जैसे हमास और हिजबुल्लाह को समर्थन देता है, और न केवल समर्थन देता है बल्कि पैसा भी देता है, ट्रेनिंग भी देता है और हथियार भी प्रोवाइड कराता है। और कहीं ना कहीं ईरान का सफल परमाणु कार्यक्रम भी इन दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा करता है।